हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सब फॉर्म जनरेट करना सीखेंगे। सब फॉर्म की सीरीज में तीसरी वीडियो है, पर एक हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है। यहाँ पर टेबल वन दिखाई पड़ रहा है आपको, आपको व्यू पे करना है क्लिक। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको दो व्यूज दिखाई पड़ेंगे, एक डिजाइन व्यू, एक डेटा शीट व्यू। चूंकि हमको डिजाइन करना है तो हम यहाँ पर डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं। टेबल वन ही नाम मान लीजिए कि मैं रख देता हूँ। पहला टेबल हम प्रोडक्ट का बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो ये प्रोडक्ट आईडी हो गई और ऑटो नंबर रख दिया हमने। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल देता हूं, ये कर दिया हमने प्रोडक्ट नेम। और फिर यहां पर आएगा, चूंकि इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट ही तो टाइप करना है, प्रोडक्ट नेम एक टेक्स्ट होता है। और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, जो भी प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पर हमें करेंसी डेटा टाइप रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ करेंसी डेटा टाइप ही चूज करना है। और यूनिट चूंकि पॉइंट में भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि कोई सामान आप जैसे अगर बात करें ग्रोसरीज की, तो आप 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो ऐसे खरीदते हो, तो पॉइंट में हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे नंबर कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर जो दिख रहा है इसे बना देता हूँ डबल। डबल बना देने से फायदा ये होगा कि हमें डेसिमल में भी एंटर करने देगा। अब यहाँ पर कर लेता हूँ टोटल। अब टोटल करते वक्त ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में ये फायदा है कि आप यहीं पर कैलकुलेटेड फील्ड का प्रयोग करके और क्वेरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी लगा लेते हैं, ठीक है। कैसे लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे पास प्राइस मौजूद है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है प्राइस, ओके, और इनटू यहाँ पे कर देंगे हम यूनिट। तो प्राइस और यूनिट का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ओके प्रेस कर देता हूं, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड आपका हो गया पूरा। यहाँ पर आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर व्यू पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से ये टेबल सामने आ जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नेम वगैरह एंटर कर लेता हूँ एक दो एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ कीबोर्ड कर लेता हूँ, यहाँ कर दिया हमने कीबोर्ड। और फिर यहाँ पर कीबोर्ड की प्राइस है, मान लीजिए 200 रुपए एक कीबोर्ड की प्राइस है। और मान लीजिए ऐसे चार कीबोर्ड आपने खरीदे, तो यहाँ पर टोटल अपने आप शो हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर कर देता हूँ माउस, माउस कर दिया हमने, तो माउस मान लीजिए 120 रुपए का एक है और यहाँ पर 6 आइटम आपने परचेस किया, तो यहाँ पर टोटल अपने आप शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया मॉनिटर, तो यहाँ मॉनिटर जैसे ही लिखेंगे हम और यहाँ पे प्राइस डालते ही, जैसे मान लीजिए मॉनिटर की प्राइस है 6,700 रुपए एक की, ठीक है। और मान लीजिए कि दो मॉनिटर परचेस किए गए या सेल किए गए जो भी, तो यहाँ पर 13,400 अपने आप आ जाएगा। तो अब इस टेबल को मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये प्रोडक्ट की टेबल हो गई। अब दूसरी टेबल जो हमें बनानी है उसमें ध्यान रखना है कि एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूँ, दूसरी टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ टेबल डिजाइन पे भी जा सकते हैं, टेबल पे भी जा सकते हैं, तो टेबल पे चलते हैं। यहाँ से टेबल टू के ही नाम से इसे रहने देता हूं मैं। ये कस्टमर की टेबल है, तो यहां लिखता हूं कस्टमर आईडी, ठीक है। इस बार कस्टमर आईडी को हम बनाएंगे प्राइमरी की, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे नंबर, क्योंकि ऑटो नंबर हम प्रोडक्ट आईडी में पहले ही ले चुके हैं, तो यहां पे नंबर रख देता हूं, ठीक है। फिर यहां पे कस्टमर का नेम आएगा, आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर, आप चाहे तो नीचे और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया इस तरह से, ठीक है। एक और टेबल हमें बनानी है जो कि इनवॉइस की टेबल होगी। पहले यहाँ पे कस्टमर आईडी इंटर कर देता हूँ 1001 और कस्टमर नेम मान लीजिए राम। ये सारे डेटाज को मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ लखनऊ, ओके। तो ये तीन इसमें एंटर किया, इसमें दो ही एंटर किया, तो तीन एंटर किया, इसमें भी तीन एंटर किया। तो ये इसको सेव कर लेते हैं दोनों टेबल्स को, ठीक है, इस टेबल को भी और इस टेबल को भी, दोनों को सेव कर लेते हैं। और सेव कर लेने के बाद इसको क्लोज भी करना है। एक एक फील्ड इसमें कॉमन रखनी है, तो हमने कस्टमर आईडी तो बनाई है, यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कस्टमर नेम दिखाई पड़ रहा होगा और सिटी। एक फील्ड कॉमन रखनी है, तो हम प्रोडक्ट आईडी भी नीचे डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल देता हूं मैं प्रोडक्ट आईडी, ओके। तो ये प्रोडक्ट आईडी डाल दिया और इसका जो डेटा टाइप है वो रखेंगे नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके प्रेस कीजिए और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी हमें 1 से ही लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूं 1। अगर इनवॉइस की टेबल बनाना चाहते हैं तो इनवॉइस की टेबल भी आप बना सकते हैं। तो ये टेबल 3 कर लिया हमने और यहाँ पे इनवॉइस नंबर कर लेता हूं, इनवॉइस नंबर कर लिया हमने और यहाँ पे इसे शॉर्ट टेक्स्ट रख लेता हूं। ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है यहां से शॉर्ट टेक्स्ट रखूंगा। इनवॉइस नंबर के बाद हमें इसमें प्रोडक्ट आईडी भी लेके आनी है, तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी भी कर देता हूं। कस्टमर आईडी में नंबर डेटा टाइप होगी जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और यहां पर अब ओके प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी हमारे सामने। तो अब इन तीनों टेबल्स को सेव कर लीजिए।
यहाँ पर भी कुछ रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं हम। जैसे ये इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर में मैं लिखता हूं E1001, ये लिख दिया हमने। और प्रोडक्ट आईडी तो हमने एंटर करी थी 1, तो यहाँ पे 1 एंटर कर देते हैं। कस्टमर आईडी 1001 थी, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी 1001 एंटर कर देते हैं। इसी तरह से 1004 ऐसे, ठीक है। अब इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है। ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। ये हमारा टेबल 3 है, ये हमारा टेबल 2 है, और ये हमारा टेबल 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बना लिया है। अब हमें कहां जाना है, डेटाबेस टूल्स पे जाना है, रिलेशनशिप पे जाना है। टेबल 1 ले लिया हमने, टेबल 2 ले लिया हमने, और यहां पर ले लिया टेबल 3, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आईडी है यहां पर दिख रहा है, ये मेन वाला प्रोडक्ट आईडी हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे इससे, ठीक है। और यहां से ओके, अच्छा इसको करने के पहले यहां से इन सबको क्लोज कर देंगे जो भी टेबल्स हैं हमारी, वरना ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करने देगा हमें। तो ये प्रोडक्ट आईडी को ये प्रोडक्ट आईडी से लिंक करा दिया, ये इस तरह से ये ओके कर दिया। तो ये देख सकते हैं इन तीनों टेबल्स को हमने लिंक करा दिया है इस तरह से कुछ, ठीक है। इसको देखते हैं टेबल को, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे प्लस का शाइन आ रहा है, और यहां पर जैसे ही जाएंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल हमें शो कर देगा रिलेटेड रिकॉर्ड की। अब हमें क्या करना है, क्रिएट पर जाकर के, फॉर्म विजार्ड पे जाकर के, और इन सारे टेबल्स के रिकॉर्ड्स को हमें चाहिए। और टेबल टू से हमें क्या पिकअप करना है, टेबल टू से हमें चाहिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी, ठीक है। और टेबल थ्री से हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए इनवॉइस नंबर, तो ये इनवॉइस नंबर ले लिया हमने, ओके प्रेस किया। सब फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हम, और यहाँ से डेटा शीट व्यू में हमें चाहिए, और ये फिनिश पे कर दिया क्लिक। तो ये इस तरह से हमारा सब फॉर्म हमारे सामने जनरेट होकर आ जाएगा। इसको हम एक बार डिजाइन व्यू में ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें सेटिंग कर लेते हैं हम। ये हो गया, और यहां से ऐसे व्यू पे कर देंगे क्लिक, तो ये इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड शो होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, एक सर्च के लिए बना लेना है। तो सर्च के लिए कैसे बनाएंगे, यहां पर ये टेबल जो हेडिंग आ रही है इसे हटा देता हूं, यहीं पर हम सर्च बॉक्स बनाएंगे। तो ये कॉम्बो बॉक्स ले लिया हमने, और यहां पर ड्रैग किया, इसे ड्रैग करेंगे तो ये विजार्ड खुल करके आएगा। अब यहां पर फाइंड अ न्यू रिकॉर्ड, फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन अ वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स, इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे नेक्स्ट पे कर दीजिए क्लिक। हम किसके बेस पे सर्च करेंगे वो देख लीजिए आप। अगर प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सर्च करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी हम डाल देंगे, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करेंगे तो कस्टमर आईडी को मेन टेबल बनाना पड़ेगा, हम प्रोडक्ट आईडी ही ले लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया प्रोडक्ट आईडी। अब हम इसके बेस पे चाहे तो सर्च कर सकते हैं, कैसे सर्च करेंगे ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गए, अब यहां पर कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट वन चूज किया तो प्रोडक्ट वन के कस्टमर कौन थे वो सारी डिटेल और इनवॉइस नंबर क्या था वो सब जनरेट हो जाएगा। फिर अगर प्रोडक्ट थ्री ले लेते हैं तो प्रोडक्ट थ्री की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से करके ये आप कर सकते हैं।